हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वाह जी वाह, क्या मैच चल रहा है भाई आईपीएल का। हैदराबाद ने तो भाई क्या स्टार्ट दिया, मतलब 5 ओवर में ही 100 से ज्यादा। ओहो हो, आई होप भाई आप भी मैच एंजॉय कर रहे हो। न्यू दिल्ली में मैच हो रहा है। चलो भाई हम अपनी डिस्कशन करते हैं, हम अपनी बातें शातें करते हैं, बात करते हैं भाई एक्सप्रेस एंट्री का क्या सीन है भाई। इस हफ्ते कोई ड्रॉ आया है? नहीं आया भाई। सैटरडे की मॉर्निंग शुरू हो गई है, बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं आपको बता दूं जी, इस हफ्ते तो भाई कोई ड्रॉ नहीं आया और एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि यूजली गाइस 2 हफ्ते के बाद आता है। तो आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए, तो हमने भी भाई कड़ी नजर रखी हुई है और क्या ड्रॉ आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलो भाई आज हम बात कर लेते हैं भाई, क्या हम प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट, कितना स्कोर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आएगा, क्या जनरल बेस्ड ड्रॉ आएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम थोड़ी बातें शाती कर लेते हैं। मैं अपना व्यू पॉइंट दे सकता हूं गाइस, आप अपना बता देना कॉमेंट सेक्शन में, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, जस्ट प्रेडिक्शन है, ये तो है नहीं भाई, हमारे बेसिस पे सब कुछ होगा। बट चलो जी डिस्कस कर लेते हैं जी। मैं पूरा पीछे लेके चलूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग गाइस। पिछले हफ्ते जनरल कैटेगरी का भाई ड्रॉ आया जी, 524 से 549, 25 पॉइंट्स बढ़ा के इन्होंने 549 का कट ऑफ दिया। ठीक है जी, 549 का कट ऑफ दिया अभी, आई थिंक 1280 इन्विटेशन इन्होंने भेजे थे लास्ट टाइम, और उसी के साथ साथ इन्होंने 2024 का पहला स्टैम्प ड्रॉ भी निकाल दिया था जी, कैटेगरी बेस्ड 491 उसका कट ऑफ था। तो भाई 4500 इनविटेशन आई थिंक उसकी भेजी गई थी, तो 5780 के आसपास टोटल इनविटेशन इन्होंने भेज दी भाई अभी तक अप्रैल 2024 में, सो गुड नंबर। तो अभी हम बात करते हैं भाई आगे क्या, क्या हम आगे कुछ का जो सीआरएस है वो कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई जो 540-545 की रेंज में बैठे हैं, 535 की रेंज में बैठे हैं, अब उनको भी लग रहा है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं जी, एक्सप्रेस एंट्री के जो पूल है हमारा, जो उसमें फाइल्स पड़ी हुई हैं लोगों की, कितना नंबर वहां पे पड़ा हुआ है देखो। जिन लोगों का भाई सीआरएस है 601 से लेके 1200 के बीच में, वो कैंडिडेट्स इनके पास हैं जी 1093 कैंडिडेट्स इनके पास ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री के पूल में भाई पड़े हुए हैं, जिनका जो सीआरएस है वो है जी 601 से लेके 1200 के बीच में। अगेन भाई आई नो बहुत नंबर है, 1100-1100 के आसपास हो गया राइट, लेकिन उससे भी भाई बड़ी चीज ये है कि जिनका स्कोर 501 से लेके 600 के बीच में है ना भाई, वो भी 12000 से ऊपर बैठे हैं। 12000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री के पूल में भाई उनकी फाइल्स डली हुई हैं, जिनका स्कोर 501 से लेके 600 के बीच में है। अब वो लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं जिनका स्कोर 490 या फिर 480, 495, 500 के नीचे नीचे है, तो भाई कब नंबर आएगा कब नहीं आएगा भगवान के भरोसे, क्योंकि ऑलरेडी भाई 13000 के आसपास उससे ऊपर लोग बैठे हुए हैं। और इतना तो भाई आपको पता है, इतना तो कभी भी भाई देखो इतनी इनविटेशन तो वो भेजेंगे भी नहीं। हाँ जनरल कैटेगरी स्पेशली मैं बात करता हूं, ठीक है ना। हाँ मैं मान सकता हूं भाई जो दूसरे हैं हमारे जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है, हो सकता है भाई उसमें कुछ निकल जाए, अंडरस्टैंड। बट भाई अगर मैं हेल्थ की बात करता हूं या फिर एग्रीकल्चर की बात करता हूं, ट्रेड की बात करता हूं, ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, फ्रेंच की बात करता हूं, यूजली लोगों का इतना स्कोर होता नहीं है। ठीक है, ये होगा भाई, हो सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता, बट यूजली गाइस उनका स्कोर 500 से ऊपर नहीं होता। हाँ स्टैम्प वाले हो सकते हैं फॉर श्योर। तो जी बात यही आती है कि अगर किसी का स्कोर 480, 470, 490 के आसपास हो रहा है और वो जनरल कैटेगरी में बैठे हुए हैं भाई, आई एम सो सॉरी टू से, अभी तक मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इस चीज को लेके कि भाई कुछ होगा ऐसा उनके फेवर में, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ऑलरेडी भाई 13000 एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, ऑलरेडी इतनी पड़ी हुई है भाई, ठीक है, जिनका स्कोर 501 से ऊपर है, जब 501 या 501 से ऊपर है, तो भाई जस्ट इमेजिन आपका नंबर कब आएगा। अब बात आती है जी 510, 520, 530, 540 वाले। देखो जी 549 लास्ट टाइम गया है और मुझे लगता है भाई ज्यादा स्कोर कम नहीं होगा, क्योंकि 600 के ऊपर जो नंबर है ना, वो भी भाई 1100 के आसपास तो वहां बैठे हैं,
1100 के आसपास तो वहां बैठे हैं। मैं कहता हूं चलो पीएनपी वाले भी थोड़े बहुत निकल जाएंगे या कुछ भी है, ठीक है जी। करते 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 मुझे लगता है भाई 549 आया था लास्ट टाइम, उतना सही भाई, दो चार स्कोर ऊपर नीचे 540, चलो मैं कहता हूं यार 546 का 547 का भाई मैं प्रेडिक्शन दे देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्कोर कम होने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के भाई इतने से ही ड्रॉ निकालेंगे ये, नंबर ऑफ इन्विटेशन इतनी भेजेंगे ये 1000 1500। हाँ अगर यही भाई 3000 के आसपास चला गया तो हम सोच सकते हैं कि चलो भाई हो सकता है 530 535 के आसपास आ जाए, बट मुझे अभी तक नहीं लगता कि भाई 1500 2000 से ऊपर ये भेजेंगे। और अगर ऐसा होता है कि सिर्फ भाई 1500 के आसपास ही नंबर ये इन्विटेशन भेजते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि स्कोर कहां पे जाएगा। तो जी 546 547 अभी तक तो मुझे यही लगता है कि भाई इतना स्कोर होगा, ये जस्ट मेरी प्रेडिक्शन है भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आपकी अलग हो, सकता है आपका व्यू पॉइंट अलग हो, तो आप बता सकते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ पहली बात तो आएगा या नहीं आएगा, आपको क्या लगता है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आएगा या जनरल कैटेगरी या दोनों आएंगे, यूजली गाइस दोनों आ रहे हैं आज की डेट में, तो एक जनरल कैटेगरी का ड्रॉ गाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका बताओ आप, और दूसरा क्या लगता है आपको, क्योंकि हेल्थ का भी काफी टाइम हो गया ड्रॉ नहीं आया, ट्रेड का काफी टाइम हो गया ड्रॉ नहीं आया, ट्रांसपोर्ट का बहुत टाइम हो गया ड्रॉ नहीं आया, फ्रेंच का भी आया अभी तो यार, है ना, एग्रीकल्चर का नहीं आया, तो आप बताओ। मुझे लगता है भाई हो सकता है कि हेल्थ का ड्रॉ आ जाए, बाकी भाई लेट्स सी व्हाट हैपन, जैसी कोई न्यूज आती है, जैसी कोई ड्रॉ आता है, जैसी कोई अपडेट आती है आ जाएंगी आप लोगों के सामने बातें शातें करने के लिए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाकी भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, और भी बातें शातें करेंगे, बट हाँ डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक ऑन दिस अंडर दिस वीडियो, क्योंकि मुझे जानना है यार कि आप क्या सोचते हो और दूसरों लोगों का भी फायदा हो सकता है उस केस में, राइट। चलो भाई दोबारा मिलते हैं टॉपिक एंड डिस्कशन, स्टे का अपना ध्यान रखना, best wishes from Navjeet Sangher, bye bye guys, enjoy, take care, bye bye।